बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे जो वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो है, आज सुबह ही मैंने व्लॉग को जो है स्टार्ट कर दी थी। मैं आ गई थी किचन में और मैं और हमारी बहन नसरीन जो है वो मिल के हम लोग जो है काम निपटा रहे थे कि जल्दी जल्दी जो है बच्चों को जो है ड्यूटी पे जाना होता है और अभी जो है नाश्ता भी बनाना था। तो मैं यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा दिन से जो हॉस्पिटल के चक्कर में आने जाने से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था एकदम, और मेरी नज़र जो है अचानक मिक्सर पर पड़ गई तो मैं मिक्सर को जो है साफ़ करने लगी कि चलो मैं भी बैठे बैठे क्या करूँगी, तो मैं मिक्सर ही जो है वो साफ़ करने लगी थी। और नसरीन जो है एक तरफ जो है वो अपना बर्तन धो रही थी, सफाई कर रही थी। और जैसे ही अब फरहीन आएगी तो अब हम लोग जो है नाश्ता वगैरह में लगेंगे, नाश्ता बनेगा। तो बच्चे फरहीन का भी बच्चा है गोदी में, बड़ी वाली बहू का भी, जो जैसे बाबू बीमार था तो उसके वजह से मैं जो है कुछ काम मैं भी कर लेती हूँ और अपना भी जो है हाथ पैर सही रहता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुएँ ही आएँ तो बहू ही लोग ही करें, नहीं, अपना भी काम जो है करना चाहिए ताकि अपना भी जो है हाथ पैर सही रहे। आई हो गई है और मैं फरीन के साथ मिलके जो है रोटी बनवा रही हूँ। यहाँ पे फरीन जो है आटा रोटी बेल रही है और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। और सुबह सुबह जो है ना जल्दी जल्दी जो काम हो जाता है, गर्मी का दिन है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो काम जल्दी हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं एक तरफ जो है चावल चढ़ा दी हूँ और करेले की सब्ज़ी, जो मैंने कल करेला उठा के रखी थी ना उसका, ये देखिए फरीन ने जो है सब्ज़ी बनाई है, ये देखिए, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। इस कुकर में मैंने बच्चों के लिए अरहर की दाल बनाई हूँ कि बच्चों को जो है ना मसाले वाली दाल जो है पसंद नहीं है। आज मैं बहुत दिन पे ना काली मसूर की दाल बनाई हूँ तो उसको भी अभी तड़का लगाना है। तो ये देखिए अभी मैंने उसको नीचे रखी हूँ, काली मसूर की दाल इसके अंदर है। तो बस ये रोटी जो है ना फटाफट बना लेते हैं और नाश्ता सबको दे देते हैं। और मेरा मानना है ना कि मिल के खाना बना लो तो जल्दी हो जाता है, बच्चे वाली औरतों को तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, यहाँ का करके जाओ नीचे का, फिर अपने रूम का करना पड़ता है इन लोग को, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी हम लोग सब लोग मिल के जो है काम कर लेते हैं। साथ यहाँ पे बन रहा है पराठा, सरसों के तेल में पराठा बन रहा है क्योंकि रिफाइंड तेल अभी ख़त्म हो गया है, अभी आएगा थोड़ी देर में, तो मैं बोली जाए तो आज सरसों के तेल में ही बना देते हैं। बस साथ साथ नाश्ता भी कर लेते हैं, अंडा भी फ्राई होगा अभी। आज ना है ना जुम्मा है तो आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं और फरीन ना जल्दी जल्दी जो है खाना बना रहे थे तो आज खाने में बन रहा था काली मसूर की दाल। आज मैं कुछ अलग तरीके से हम सास बहू मिल के जो है बना रहे थे खाना। और काली मसूर की दाल में मैं अक्सर करके खड़े मसाले डाल के बनाती हूँ लेकिन आज मैं जो है मसाला पीस के बनाई थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने जल्दी जल्दी मैं आप लोग को जब पूरा मसाला डालते हुए नहीं दिखाई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो यहाँ पर मेरी जो है ना खड़े दाल जो है वो बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ मैं जो है मसाला को जो है भून रही हूँ, मसाला अच्छे से जब भून जाएगा तो मैं ये जो दाल है ना उसको जो पहले पका रखी थी उसको उठा के अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये दाल इतनी अच्छी इतनी टेस्टी बनती है ना कि मेरे बच्चे जो है बहुत मन से खाते हैं। और जुम्मा के दिन तो अक्सर करके मैं ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ, बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलो मेरी जो है दाल जो है बन के एकदम रेडी हो चुकी है और बस यहाँ पे मैं जो है धनिया वनिया डाल देती हूँ। तो आज तो हम सास बहू मिलके इतना अच्छा खाना बनाए कि पूरे घर में जो है खुशबू आ रही है। और मेरा मानना है कि बहू क्या बेटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हम अगर बहू को अच्छे से रखें और बहू भी हमें अपनी माँ समझ के रहे तो बिल्कुल घर चल सकता है। तो इसी तरीके से जो है मैं अपनी बहुओं को रखती हूँ। और अब माशाल्लाह से मैं आ गई हूँ अंदर रूम में ताकि मैं जो है नमाज़ पढ़ लूँ और किताब भी पढ़ लूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे किताब पढ़ लूँगी और नमाज़ का भी टाइम हो रहा है तो यहाँ पे किताब पढ़ के मैं नमाज़ पढ़ के आप लोग से मिलती हूँ। तो आप लोग भी नमाज़ और किताब ज़रूर पढ़ा कीजिए और जुम्मे वाले दिन तो अल्लाह हमारी हर दुआ जो है वो कबूल करते हैं। और आप लोग कोशिश किया कीजिए जुम्मा वाले दिन जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। क्या रहे हो? अब तो माशाल्लाह मेरे बाबू की तबीयत ठीक है। तो खाना खाने के लिए बैठे हो, बिरयानी बनी है ना आज तो बाबू के लिए। पता ही, हॉस्पिटल से जब से आया ना बेचारा कुछ भी नहीं खाया, रोज बोलता है दादी चिकन बिरयानी बनाओ चिकन बिरयानी, तो आज इसके लिए चिकन बिरयानी बनी है ना माहिरा। वालेकुम सलाम। चलो माहिरा तुम भी खा लो बिरयानी। गई हूँ किचन में और यहाँ पे जो है मैंने दूध बॉइल होने के लिए रख दी हूँ
और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने दूध बॉईल कर दी हूँ क्योंकि दही जमाना था। घर की दही तो बहुत ही अच्छी होती है और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि घर में जो है दही जमाऊँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है मटके की जो है हांडी लाई हूँ दही वाली, तो इसमें मैं जो है दही जमाऊँगी। इसके अंदर दही जो है ना बहुत अच्छी जमती है। तो बस ये जैसे ही दूध जो है लाल हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, फिर मैं इसमें ठंडी ठंडी जो है दही सुबह सुबह जमा के आप लोग को दिखाऊंगी। देखिएगा कितनी बढ़िया मेरी दही जो है वो बनती है। तो माशाल्लाह से दूध जो है एकदम हल्का जो है गुनगुना हो चुका है, ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने ये हाथ में ले रखी है पतीली। चलो बिस्मिल्लाह करके मैं इसमें जो है ये दूध डाल देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दही नाश्ते में काम आ जाएगा, और लस्सी बना लो, कुछ भी बना लो। और मेरे पास ये थोड़ी सी दही पड़ी है तो मैं इसको जो है चूरन डाल देती हूँ, ताकि सुबह तक हमारी दही एकदम रेडी हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको डाल दी, अब इसको जो है ढक के रख दूंगी और सुबह आप लोग को दिखाऊंगी। और अब मैं इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा के और मैं इसको रख दूंगी रात भर के लिए, और सुबह आप लोग को दिखाऊंगी मैं कि हाँ मेरी दही जो है कितनी बढ़िया बनी हुई है। और अब मैं आ गई हूँ मटका लेने, क्योंकि मैं मेरा पानी जो है वो ख़त्म हो चुका था। मैं हमेशा जो है मटके में ही पानी पीती हूँ और मुझे जो है बहुत ही इससे जो है आराम मिलता है। आप लोग भी पिया कीजिए, गर्मी का दिन है, मटके का पानी पीने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और मुझे तो बहुत ही आराम मिलता है। फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरे गले में जो है बहुत ज़्यादा तुरंत दिक्कत होने लगती है। तो आप लोग भी मटके का पानी ज़रूर पिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो गया और हो गई है सुबह। चलिए मैं आप लोग को अपनी दही दिखा देती हूँ। मेरी दही इतनी बढ़िया और क्रीमिश बनी थी, एकदम क्रीम। आप लोग भी ज़रूर ऐसे दही बनाया कीजिए। और मेरी दही इतनी अच्छी बनी थी कि एकदम हम दही रोटी इसके साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, इसका रायता भी बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को निकाल के दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी बढ़िया, मतलब चम्मच से उठाने पे भी एकदम क्रीमिश लग रही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। लाइक शेयर कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।